हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि 9 नवंबर को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक बेबी बॉय होने का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था स्क्रीन पे तो मेरे पास कल एक और मैसेज आया है कल आई थिंक सो परसो कि मैम मुझको बेबी बॉय हुआ है और डेट उनकी 9 नवंबर है यानी कि 9 नवंबर में दो बेबी बॉय हुए हैं एक का मैंने आपसे शेयर कर चुकी थी वीडियोस में और परसों जो मैंने कमेंट देखा ना वो मैं आज शेयर कर रही हूं देखिए मेरी भी लाइफ थोड़ी सी ना बिजी चल रही है टाइम कम लग रहा है वीडियो शेयर करने का इसलिए थोड़ा लेट वीडियो आ रही है डिले हो रही है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बाकी वीडियो टाइमली आएंगी तो आपका जब भी बेबी हो चाहे बेबी बॉय चाहे बेबी गर्ल कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको कब बेबी हुआ और बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है देखिए बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल दोनों ही माँ के लिए एक समान है माँ के लिए क्या पूरी फैमिली के लिए एक समान है क्योंकि आज के डेट में ना लड़की भी वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है तो आज मैं सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारी बधाई दूंगी उनके बच्चे के लिए हेल्दी लाइफ के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और आप सब भी उनको दिल से बहुत सारी बधाई दे बहुत सारी दुआएं दे बच्चे के हेल्दी लाइफ के लिए बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए तो बाकी आज मैं देखिए वीडियो शुरू करती हूँ आज की वीडियो में ना मोस्टली मैं जो मेन मेन सिम्टम होते हैं बेबी बॉय के वो शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा क्योर्सिटी रहती है प्रेगनेंसी में जानने की मेरे क्या होगा बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी उनकी क्योर्सिटी इस वीडियो से बहुत ज्यादा कम हो सके क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना जैसे जैसे प्रेगनेंसी का पड़ाव बढ़ता है ना मन की क्योरसिटी वैसी बढ़ती जाती है कि कब डिलीवरी होगी नॉर्मल होगी सिजेरियन होगा कब बेबी होगा बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी थोड़ा सा क्लू मिल जाए शॉपिंग कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट कर लेंगे कार को डेकोरेट करना है आजकल कर तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं केक को ऑर्डर देना है रूम को अच्छे से डेकोरेट करना है तो थोड़ा सा क्लू मिल जाता है ना तो ईजी रहता है रूम को डेकोरेट कराने में शॉपिंग करने में बाकी तो देखिए ये जो सिम्टम है ना इसका 110 परसेंट कोई भी लिंक नहीं है साइंस से क्योंकि साइंस इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती ठीक है ना ये सिर्फ ओल्ड वाइफ्स हैं जो कि पहले के टाइम में जो दाई दाईमा होती थी ना वो बहू बेटियों के चलने फिरने के तरीकों को देख देकर अंदाज लगा लेती थी, थी कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी क्योंकि पहले के टाइम में अल्ट्रासाउंड स्कैन मकैन बिल्कुल नहीं होते थे सिर्फ इसी के आधार पर दाई दाईमा अंदाजा लगाती थी कि होने वाले संतान लड़का है या फिर लड़की है तो उन्हीं के आधार पर ये मैं पांच सिम्टम आज शेयर करूंगी जो कि बहुत सारे केस में मैंने देखा है इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं देखिए आस पड़ोस में या मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है मुझे शेयर करते अपने इन सिम्पटम उन सभी के सिम्पटम्स के आधार पर ये निचोड़ है जो कि मैं पांच सिम्पटम्स शेयर करूंगी और ये सिम्पटम मेरे केस में बिल्कुल सटीक थे तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नंबर वन तो बेबी एफएचआर बेबी एफएचआर से रिलेटेड मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है अपने चैनल पे आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी कि एफएचआर एक्चुअल में होती क्या है पहले तो ये जान लो एफ होती है फेटल हार्ट रेट जो कि बेबी की हार्ट रेट से बहुत सारे लोग अंदाजा लगाते हैं कि एफ अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन में बच्चे की जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ना लिखा होता है मेंशन होता है प्लेसेंटा बेबी की एफएचआर तो एफ का मतलब है बच्चे का दिल एक सेकेंड में कितनी बार धड़क रहा है एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है पूरी डिटेल में होता है तो उसमें अगर मैंशन होता है कि अगर बच्चे की एफ एच से कम आती है तो आपको बेबी बॉय होने वाला होता है वहीं अगर एफआईआर वन फोर्टी से अबव आती है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है तो ये ऐसा क्यों बोला जाता है देखिए बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तथ्य होते हैं कई बोलते हैं 140 से कम आती है तो आपको बेबी गर्ल होती है 140 से ज्यादा आती है तो आपको बेबी बॉय होता है तो आज तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और अपनी सब्सक्राइबर का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो मेरे केस में ना मेरे बेबी की जो एफ थी वन से अबव थी यानी कि 160, 145, 150 इतनी मेरी एफ गई है दोनों ही प्रेगनेंसी में तो मेरे साथ ही इलेक्शन तो देखिए सटीक नहीं था मेरे केस में 140 से अबव अगर गई है एफएचआर तो बेबी बॉय हुआ है और कई मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है 140 से अबव एफएचआर आने पे इवन मेरी देवरानी का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने उसके जब अल्ट्रासाउंड के स्कैन देखे ना उसमें भी फेटल हार्ट रेट बेबी की 150, 148, 146 इस तरीके से आई थी और उनको भी बेबी बॉय हुआ तो मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे फैमिली मेंबर्स के बहुत सारे एक्सपीरियंस है उन सभी की जो एफ थी ना जैसे मेरी भाभी के उनकी भी एफ 140 से अबव थी उनको भी बेबी बॉय हुआ तो मैं 140 से कम होने पे बेबी गर्ल नहीं मानती बेबी बॉय नहीं मानती मैं 140 से अगर अबव आती है तो बेबी बॉय बोलती हूँ कम होगी तो बेबी गर्ल होती है बाकी सबके केस में देखिए ये अलग होता है क्योंकि एफ जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेट में बेबी गर्ल है तो एफ कम ही होगी या ज्यादा ही होगी क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग है सबके सिम्टम्स अलग है सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग है तो वीडियो को सिर्फ इंजॉयली लीजिएगा मेरा चैनल लिंक में भेदभाव नहीं करता ना ये चीज मैं सिखाती हूँ सिर्फ अपनी वीडियोज में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की प्लेसेंटा को लेके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लेसेंटा की क्या पोजीशन थी मैम प्लीज बताओ इसको लेके बहुत सारे कमेंट है कमेंट बॉक्स भरा हुआ है प्लेसेंटा को लेके तो डिटेल में मैं प्लेसेंटा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आज मैं बताती हूँ प्लेसेंटा की पोजिशन एंटीरियर होने से क्या होता है पोस्टीरियर होने से क्या होता है पहले तो क्लियर कर दू एंटीरियर मतलब होता है आगे की ओर पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे की ओर अगर आपका प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड स्कैन में एंटीरियर है यानी कि प्लेसेंटा आपका आगे की ओर है बेबी आपका पीछे की ओर है तो माना जाता है आपको बेबी गर्ल होने के ज्यादा चांसेस होते तो हैं वही प्लेसेंटा अगर आपका पोस्टेरियल है यानी कि प्लेसेंटा पीछे की ओर है बेबी आगे की ओर है, है तो यानी कि आपको बेबी बॉय होने वाला होता है बाकी देखिए प्लेसेंटा ना लिंक को बिल्कुल भी जनरेट नहीं करता लिंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है प्लेसेंटा का काम सिर्फ बेबी को हेल्दी न्यूट्रिशन देना बेबी को जिंदा रखना बेबी तक बहुत सारा ब्लड जल्दी जल जल जल्दी पहुंचाना उसका काम सिर्फ यही होता है जैसे डिलीवरी होती है ना एक बच्चे की तो वैसे ही प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है पांच मिनट के बाद तो प्लेसेंटा से हम लड़का लड़की नहीं जान सकते बाकी बहुत सारे तथ्य आते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बड़े बेटे टाइम मेरा प्लेसेंटा टाइमेंटा आता था तीनों ही आ, स्कैन में सेकंड बेबी के टाइम पे पोस्टेरियल था तो दोनों ही प्रेगनेंसी में देखिए प्लेसेंटा की पोजिशन अलग थी बट मुझको बेबी बॉय हुआ बहुत सारे केस में देखा गया प्लेसेंटा एंटीरियर होने के बाद भी बेबी बॉय हो जाता है तो एंटीरियर हो या पोस्टेरियल हो वो मैटर नहीं करता बेबी बॉय बेबी गर्ल के केस में ये क्लियर करना मुझे बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसी टॉपिक पे आते हैं तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया होगा उनको इस वीडियो से आंसर उनका मिल गया होगा आप बात करते हैं थर्ड सिम्टम की ये सिम्टम बहुत सारी महिलाओं ने सुना होगा इवन घरों में चीजें होती होंगी और इनकी मान्यता होती है देखिए प्रेगनेंसी का जब सातवा आठवा नवा महीना स्टार्ट हो जाता है ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा बॉडी में वेट गेन हो जाता है क्योंकि बच्चा अच्छे से बड़ा हो चुका होता है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है क्योंकि देखिए बच्चा पानी की थैली के अंदर है पानी का वेट है प्लेसेंटा का वेट है बेबी का वेट है इन तीनों चीजों का वेट है तो ऐसा माना जाता है अगर प्रेग्नेंसी आपकी चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो आपकी प्रेग्नेंसी में अगर बहुत ज्यादा वेट गेन है लाइक आपके गाल बहुत अच्छे से फूल गए हैं आपके जो कमर कंधे कूले हैं वो चौड़े हो गए हैं आप, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा आ गया है पहले के कंपेरिजन तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसा माना जाता है जब बेबी गर्ल माँ के पेट में होती है तो माँ की जो सेहत होती है बहुत अच्छी हो जाती है हेल्दी हो जाती है वही बेबी बॉय माँ के पेट में होता है तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है मदर जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही रहती है यानी कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट नहीं आएगा फैट इन देंस देखिए पेट तो सबका निकलता है चाहे लड़का हो या लड़की लेकिन ऐसा माना जाता है अगर बेबी गर्ल होती है पेट में तो बहुत ज्यादा मदर के ऊपर वेट आता है मतलब हाथ पैर फूल जाना कमर गंदे कूले चौड़े हो जाना ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है वहीं बेबी बॉय के टाइम पे क्या होता है सिर्फ बॉडी वैसी रहती है जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी बेबी बम का साइज ज्यादा इंक्रीज होता है तो ये लक्षण मेरे केस में तो बिल्कुल सटीक था अ, मेरे कई फैमिली मेंबर्स के केस में बहुत ज्यादा सटीक था तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कई मेरी प्यारी सब्सक्राइबर के साथ ये केस बिल्कुल सटीक था ये लक्षण तो आपने केस में बिल्कुल हंड्रेड यकीन मानती हूँ नेक्स्ट बात करते हैं फोर सिम्टम की ये सिम्टम भी अगर अपने केस में आप अंदाजा लगाओगे तो आपको थोड़ी हद तक क्लू मिल जाएगा सपने देखिए प्रेगनेंसी जैसी स्टार्ट होती है सपने आना शुरू हो जाते हैं लेकिन जब नौवा महीना स्टार्ट होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा सपने मदर्स को आते हैं देखिए अगर आपको सपने फलों के आते हैं लाइक आम केला इस तरीके सपने आ रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस है वही सपने सब्जियों के आते हैं जैसे आप मूली देख रहे हैं सपने में या लौकी देख रहे हैं सपने में तो आपको बहुत ज्यादा संकेत होते हैं बेबी गर्ल होने वाली होती है ऐसा माना जाता है जब एक नया जब, मतलब एक नया इंसान जब घर में आता है ना तो कहते हैं भगवान पहले से ही थोड़ा सा इंडिकेट दे देते हैं कि आपके घर में बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल तो हमारे घर में ऐसा बोला जाता है फलों के सपने देखो तो लड़का होने के संकेत होते हैं अगर सब्जों के सपने देखो तो लड़की होने के संकेत होते हैं अब बात करते हैं पांचवे सिम्टम की जो कि बहुत ज्यादा मेन सिम्टम है बहुत सारे केस में सटीक हुआ है ये सिम्टम में भी आपके केस में हो देखिए ऐसा बहुत सारी महिलाओं में आपने देखा होगा जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती हैं बहुत ज्यादा नींद आती है बहुत ज्यादा बॉडी में आलस आ जाता है बहुत ज्यादा बॉडी उनके थोड़ा सा काम करने के बाद टाइट फील करती है मन करता थोड़ा सो जाए उसके बाद बॉडी रिलैक्स हो जाएगी अगर ऐसा कोई साइन अपनी प्रेगनेंसी में आप देखते हो तो ये एक निशानी लड़की होने की होती है वहीं प्रेगनेंसी में अगर आप एक्टिव रहते हो टिल नौवे महीने तक देखिए स्टार्टिंग तीन महीने की बात नहीं कर रही क्योंकि इन तीन महीनों में बहुत ज्यादा वॉमटिंग नोजिया मॉर्निंग सिकनेस होती है तो बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील ऑब्वियसली होती ही होती है तो उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ चौथे महीने से नौ महीने तक प्रेगनेंसी में आप एक्टिव हो कोई भी आपको वीकनेस फील नहीं हो रही है नींद ज्यादा नहीं आती है दे। देखिये सोना अच्छा है कि रात में आपने आठ घंटे की नींद लेनी है दिन में दो घंटे का नैप लेना है लेकिन इससे ज्यादा नींद आती है कि आपको काम करने के बाद बहुत अच्छी से नींद आती है थोड़ा सा काम करते हो आलस आता है काम करने का मन नहीं करता थकावट बहुत जल्दी फील होती है तो ये एक निशानी बेबी गर्ल की होती है तो ये पांच सिम्टम मैंने बहुत सारे केसों में सटीक देखा है इवन मेरे केस में भी सटीक हुआ है मे बी आपके केस में भी हो जाए बाकी इस वीडियो को ना इंजॉयली लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्योसिटी को कम करना है बाकी इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी महिलाओं को इस वीडियो हेल्प हो सके उनकी क्यों भी कम हो सके तो मिलती हूं किसी नई वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा मिलती हूं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाय